गाइज सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी ब्यूटी स्टोर। गाइज मैं हूं नंदिनी और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं आप लोगों के साथ एक ऐसी मेकअप ट्रिक जो बहुत ही कम क्वांटिटी के सामान के साथ में आपका रोज का डेली का एक मेकअप तैयार होने वाला है। यानी आप लोगों को लगता है कि डेली डेली में हम लोग ऐसा क्या करें जो बहुत कम प्रोडक्ट के साथ में हमारा एक नेचुरल सा सिंपल सा मेकअप होकर के तैयार हो जाए और एक फेस पर अच्छा सा ग्लो आए, फेस भी अच्छा लगे। सो गाइज चलिए शुरू कर लेते। देखिए सबसे पहले आपने एक छोटा सा स्टेप करना है, अपने फेस को क्लीन करने के बाद में मॉइस्चराइजर लगाना है, सिर्फ मॉइस्चराइजर, ठीक है। और आप कुछ भी नहीं लगाएंगे डेली में, ना आप कोई प्राइमर लगाएंगे ना ही आप कोई टोनिंग करेंगे। तो थोड़ा सा ना आप अपनी स्किन टोन का फाउंडेशन लेंगे, थोड़ा सा ले लेंगे आप मॉइस्चराइजर, ठीक है। दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मॉइस्चराइजर किस लिए डालेंगे, ताकि आपकी स्किन पर ना बहुत ज्यादा पैचेस नहीं आएंगे। दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद पूरे फेस से लेकर गर्दन तक आपने इसको लगा लेना है। लगाने के बाद में गाइस आप इसे अपने हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हैं, और हाथों से ब्लेंड नहीं कर सकते तो आप जो है ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए गाइस मैं इसको अच्छे से पहले अपने पूरे हाथ से लेकर नेक तक जो है ब्लेंड कर लूँगी। तो अच्छे से इसे लगा लेती हूँ। बीच आपको लग रहा होगा थोड़ा वाइट लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ना ये एकदम नेचुरल हो जाता है, एकदम नेचुरल हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। सो गाइस ये देखिए वेट ब्यूटी ब्लेंडर मैंने ले लिया है, इसका मैं यूज़ कर रही हूँ। और साथ के साथ आप ब्लेंडिंग करेंगे, थोड़ा अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे और बहुत सॉफ्टली काम करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ फाउंडेशन का ही आपने यूज़ किया है और आपको एक नेचुरल बेस अपने स्किन के ऊपर चाहिए, अपने फेस के ऊपर चाहिए, तो उसके लिए आपको वेट ब्यूटी ब्लेंडर का ही यूज़ करना होगा। तो गाइस देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंडिंग की, और एक बार मैं डस्ट आउट कर रही हूँ अपने ब्रश के साथ में। जहाँ जहाँ पैचेस वगैरह की प्रॉब्लम होगी वो सब सेट हो जाएगी और आपका जो मेकअप एकदम फ्लॉवलेस लगेगा और थोड़ा सा फेयर में भी आएगा। यहाँ मैं स्किन टोन का नहीं बता रही हूँ, ऐसा बता रही हूँ जो थोड़ा सा फेयर टोन में आए और थोड़ा सा नेचुरल भी लगे। सो गाइज देखिए मैंने यहाँ पर जो है अच्छे से वो ले लिया है और अच्छे से मैंने अपने पूरे फेस को ब्रश के साथ से ब्लेंड कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर देखिए कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ। कॉम्पैक्ट को लगाने के बाद हल्का हल्का सा टच करूंगी आईब्रोज पे, पूरे फेस पे। क्या होगा कि आपका जो बेस है नेचुरल वो सेट हो जाएगा। अगर आप डेली में करते हो, घर पर ही रह रहे हैं बाहर नहीं जा रहे हैं, तो आप इस कॉम्पैक्ट को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। आप नेचुरल वैसे भी अपने फाउंडेशन की कवरेज बना सकते हैं। इसी तरीके से गाइज आपने देखा होगा कि मार्केट में बीबी क्रीम आती है, फेयर एंड लवली जैसी काफ़ी सारी क्रीम्स आती हैं, उनका भी आप इसी तरीके से यूज़ करके अपने फेस का जो बेस है उसको लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं, बहुत अच्छा और नेचुरल बना सकते हैं, ठीक है। सो गाइज अब हम लगा लेंगे यहाँ पर आईलाइनर। अगर आपको कभी कहीं पार्टी वगैरह में भी जाना है केवल इतनी सी कवरेज बना के, तो आप चाहें आईशैडो भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर जो है सिर्फ आईलाइनर बता रही हूँ, क्योंकि डेली में क्या होता है हम लोग सिर्फ इतना ही करते हैं। न्यूली ब्राइड होती है, उनकी शादी होती है, थोड़ा टेंशन होता है कि हम लोग ऐसा क्या करें कि जो डेली में भी अच्छा लगे। तो गाइस इस तरीके से भी आप अपना मेकअप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है लाइनर लगा लिया, आप चाहें तो विंग में लगा सकते हैं। मैंने बहुत ही अपनी आईज के अकॉर्डिंग बहुत छोटे सा विंग निकाल करके लगाया है। इसके बाद गाइस देखिए मैं यहाँ पर मस्कारा लगा लूंगी, और मस्कारे का जैसे मैं बताती हूँ आपको, एक से दो कोड में मस्कारा लगाएंगे तो जो आपकी लेसेज हैं आपको फेक लेसेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरल लेसेज भी आपकी बहुत अच्छी और थोड़ी हैवी थिकिंग में हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या करना है, अपनी दोनों आईज को कंप्लीट कर लेना है, और उसके बाद गाइज आप नेक्स्ट आ जाएंगे अपने आईब्रो पर। तो अच्छे से आप ध्यान रखें नीचे वाटर लाइन में भी मस्कारा लगाएं, इससे ना बहुत अच्छा लुक आता है। आपकी आईज अगर छोटी हैं तो थोड़ी बड़ी नज़र आने लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद में गाइज ठीक है डिफाइन कर लेते हैं अपनी आईब्रोज़ को। तो यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा काम नहीं है आज की वीडियो में, बहुत सिंपल ट्यूटोरियल मैंने बनाया है, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि डेली में क्या लगाएं, शॉप पर भी क्लाइंट आते हैं सोचते हैं ऐसा डेली में क्या मेकअप करें, तो आप ये कर सकते हैं इस तरीके से। मैंने आपको बताया कि मार्केट में अगर आप फाउंडेशन यूज़ करना नहीं चाहते तो मार्केट में इतनी सारी क्रीमें अवेलेबल हैं जो आपके स्किन टोन में आ जाती हैं, जैसे आप जो है सीसी क्रीम का बीबी क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपने ध्यान रखना है कि अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है अपने फेस की ब्यूटी ब्लेंडर के साथ में। अगर ब्लेंडिंग अच्छी है तो आपका जो क्रीम का बनाया हुआ बेस है वो भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपनी दोनों आईज को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, आईब्रो को अच्छे से फ्रिल किया है, और इसी तरीके से शेप देंगे आप भी। और मैं अक्सर बताती हूँ वीडियोस में कि ये मेरा नेचुरल शेड है, जो मेरी आईब्रो का नेचुरल शेड है, बिल्कुल वही शेड है ये जो मैं अपने आईब्रो पे करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि जो है मेरी आईब्रोज कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद में गाइस अब मैं यहाँ पर आपको हल्का हल्का सा ब्लशर भी लगा कर दिखाऊंगी। तो इससे क्या है ना, आपका थोड़ा सा मेकअप का लुक भी नज़र आएगा और आपका मेकअप बहुत अच्छा भी लगेगा।
लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी होता है आजकल, लड़कियों को शौक भी है कि थोड़ा सा रोज़ भी हमारे गालों पर होना चाहिए, थोड़ा ब्लशर अच्छा सा लगना चाहिए। सो आप ये इतना तो कर ही सकते हैं अपने मेकअप बेस को थोड़ा सा अच्छा और हाईलाइट करने के लिए। न्यूली ब्राइड का क्या होता है कि जो शुरू में आती है तो थोड़ा सा मेकअप भी करना उनका ज़रूरी हो जाता है। तो आप इस तरीके से अपना फंक्शन वगैरह में या आप अपने घर में कई बार ऐसे प्रोग्राम होते हैं लोग बाग मुँह दिखाई करने आते हैं, तो आप इस तरीके से तैयार हो सकते हैं। तो देखिए गाइस, अब मैं यहाँ पर लिपस्टिक लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ ब्राउन कलर की पेंसिल ली है, डार्क ब्राउन शेड है जिसका। तो आपको जो कलर पसंद हो आप उसके साथ में कर सकते हैं। आपको न्यूड कलर पसंद है आप न्यूड भी लगा सकते हैं, पर न्यूली ब्राइड का थोड़ा सा होता है ना रेड रेड का, शुरू शुरू में रेड मेरून का ज़्यादा ही क्रेज़ होता है। तो ये देखिए मेरे पास रेड मेरून कलर की लिपस्टिक है जिसको मैं लगा लूँगी एक शेप देके। अब अगर आप जो है ना अच्छे से अपनी लिप्स की शेप देते हैं उसके बाद लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो आपकी लिपस्टिक जो है काफ़ी खूबसूरत भी हो जाती है और थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग भी चलती है। सो गाइज देखिए, फाइनली आप चाहे तो देखिए मैं जो पहनकर बैठी थी मैंने उसी में वीडियो को शूट किया, क्योंकि मेरा जो मेन मतलब था आपको सिर्फ मेकअप दिखाने का, बट आप देख सकते हैं आप अपना साड़ी में कर सकते हैं, कोई भी अच्छी सी हैवी साड़ी पहनकर भी बैठे तब भी आप इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के अच्छे अच्छे मेकअप टिप्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। सो बाय गाइज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मुझे ढेर सारा प्यार दें।